हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं सेठ और आप देख रहे हैं टेक और ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग हर दिन कुछ ना कुछ गूगल पे जाके सर्च करते रहते हैं, चाहे वो किसी सॉन्ग के बारे में हो, चाहे वो किसी के बायोग्राफी के बारे में हो, चाहे कोई भी आर्टिकल्स हो, आप लोग डेली कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं। लेकिन वहां पे क्या आपको गूगल कुछ रेवेन्यूज शेयर करते हैं, कुछ पैसे आपको देते हैं? नहीं देते फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग हैरान हो जाएंगे, आज मैं जिस वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ, अगर आप लोग इस वेबसाइट में आके इसके सर्च इंजन में कुछ भी सर्च करते हैं तो ये वेबसाइट आपको पैसे देते फ्रेंड्स। जी हाँ, बिल्कुल। मैं ये वीडियो बनाने से पहले इस वेबसाइट के बारे में बहुत रिसर्च कर लिया है, बहुत जानकारी ले लिया है इस वेबसाइट के बारे में। आप लोग इस वेबसाइट को बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं, आप लोग चाहे तो गूगल कर सकते हैं या यूट्यूब में भी इसके पेमेंट प्रूफ वगैरह बहुत कुछ दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वेबसाइट में होता क्या है, जैसे कि आप लोग गूगल पे जो भी चीज सर्च करते हैं आपको सिर्फ इस वेबसाइट में आके सर्च करना होगा, ठीक है। इसके बदले आपको यहाँ पे कुछ टोकन मिलेंगे, ठीक है, उसे आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैं आगे वीडियो में बता दूंगा, आपको सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं और एक चीज बता देता हूँ, यहाँ से जो आप विथड्रॉ करेंगे यहाँ पे सिर्फ आप इथर वॉलेट में ही विथड्रॉ कर सकते हैं। मैं एक वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप उस वीडियो को देख लीजिए कैसे आपको इथर वॉलेट क्रिएट करना होगा। वैसे मैं इस वीडियो में भी आपको दिखा दूंगा कैसे इथर वॉलेट क्रिएट करना होगा, ठीक है। इथर वॉलेट क्रिएट करने के बाद आपको इथर वॉलेट का एड्रेस आपको इस वेबसाइट में आके अपडेट करना होगा, देना होगा। उसके बाद जो भी आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है, जो भी पैसे मिनिमम विथड्रॉ का बैलेंस हो जाएगा, उसके बाद आप लोग उसे इथर वॉलेट में इजिली विथड्रॉ कर सकते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको सीधे वेबसाइट की तरफ ले जाता हूँ, कंप्यूटर में ले जाता हूँ, वहां पे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इस वेबसाइट में आपको रजिस्ट्रेशन करना है और प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे यहाँ पे काम करना होगा, विथड्रॉ करना होगा। वैसे तो इस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करना काफी इजी है, जैसे कि आप लोग करते हो, ठीक है, ईमेल देना होता है, पासवर्ड देना होता है, न्यू पासवर्ड देना होता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आपको सेम इसी तरीके से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। और फ्रेंड्स, मैं इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चाहे तो वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सीधा कंप्यूटर में ले जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रहा वेबसाइट presearch.org। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाके उस लिंक को क्लिक करके इस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब भी आप उस लिंक को क्लिक करेंगे आपको ऐसे इंटरफेस मिल जाएंगे। यहाँ पे आके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पे रजिस्टर्ड का एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आके आपको नीचे देखिए क्रिएट अकाउंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस देना होगा, पासवर्ड देना होगा, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड दे के यहाँ पे देखिए आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद नीचे एक कैप्चा दिया हुआ है, आपको यहाँ पे क्लिक करके ये कैप्चा को सॉल्व करना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है क्रॉस वॉक्स, तो यहाँ पे आपको क्रॉस वॉक्स जहाँ जहाँ है इसे सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपको वेरीफाई कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा वेरीफाई हो गया, एक ग्रीन का टिक आ गया, ग्रीन कलर का टिक आ गया। उसके बाद आपको साइन अप नाउ में क्लिक कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग इस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं सिंपली लॉग इन करूँगा। तो यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपली लॉग इन करूँगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपली मैं कैप्चा सॉल्व करके यहाँ पे मैं लॉग इन कर लूँगा। यहाँ पे देखिए ये फायर हाइड्रेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे कहाँ पे है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वेरीफाई और लॉगिन। तो फ्रेंड्स, जब भी आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे आपको सिंपली ऐसी इंटरफेस यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए सर्च का एक सर्च इंजन दिया हुआ है, आपको यहाँ पे सिंपली कुछ भी सर्च करना होगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैं सर्च कर लेता हूँ यूट्यूब, ठीक है, उसके बाद सर्च। तो देखिए यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया है, ठीक है, यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आया, तो मैं सिंपली इसे फिर से बैक कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा 1.25 प्री कॉइन था, तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुझे यहाँ पे 25.25 प्री कॉइन्स मिल गए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं और एक करके दिखा देता हूँ। मान लो यहाँ पे मैं अभी सर्च करूँगा फेसबुक, तो यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया है। और यहाँ पे मैं फिर से बैक आ जाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखिए मेरा 1.75 प्री कॉइन्स हो गया। इसके बाद मैं और एक सर्च करके दिखा देता हूँ, टाइगर यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो ये सर्च कर लिया है। उसके बाद मैं फिर से बैक आ जाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरा अभी टोटल 2 प्रीकॉइंस हो गया है मेरे अकाउंट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आके आपको सिंपली सर्च करना होगा, जैसे कि आप लोग गूगल में सर्च करते हैं, कहीं पे भी किसी भी ब्राउजर में जो आप सर्च करते हैं, आपको इस वेबसाइट में आके आपको यहाँ पे सर्च करना होगा और उसके बदले आपको ये वेबसाइट पैसे देते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग और भी तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रेफर अ फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अपने लिंक से, अपने रेफर लिंक से किसी को इस वेबसाइट में इनवाइट करते हो और उनको बोलते हो कि इस वेबसाइट में आके काम करें, इसके लिए आपको अलग से एक कमीशन मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है। यहाँ पे मैं अभी आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपको विड्रॉ कैसे करना होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था इस वेबसाइट से आपको विड्रॉ करने के लिए एथर वॉलेट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको विड्रॉ वाले ऑप्शन में ले जाके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एथर वॉलेट का एड्रेस देना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। जब भी आपका एथर वॉलेट एड्रेस बन जाएगा उसके बाद वहाँ पे आपको अपने वॉलेट का एड्रेस मिल जाएंगे, आपको उसी एड्रेस को आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना टोकन्स आप विड्रॉ करना चाहते हो आपको वो देना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए वॉलेट एड्रेस दिया हुआ है, मैंने अपना एथर वॉलेट का एड्रेस यहाँ पे मैंने अपडेट कर चुका हूँ। यहाँ पे सेम आपको भी ऐसे करना होगा, जब भी आपका एथर का वॉलेट बन जाएगा वहाँ पे आपको अपना वॉलेट एड्रेस मिल जाएंगे, आपको उस वॉलेट एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पे अपडेट कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको अपना अकाउंट यहाँ पे चूज कर लेना होगा और यहाँ पे आप कितना टोकन्स विड्रॉ करना चाहते हो वो यहाँ पे आपको देना होगा, सबमिट करना होगा और यहाँ पे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे विड्रॉ हो जाएगा इजीली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे, मैंने यहाँ पे आपको काफ़ी सारा कुछ बता दिया है कैसे यहाँ पे काम करना होगा। काम करना तो बहुत ईजी है, आप लोग देख ही चुके हैं। और यहाँ पे एथर वॉलेट के बारे में मैं आपको बता दिया है, यहाँ पे जो विड्रॉ करना होता है वो एथर वॉलेट में करना होता है और कैसे लेवल इंक्रीज करना होता है और कैसे रेफर करना होता है और रेफर का कमीशन कितना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एथर वॉलेट दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था एथर वॉलेट कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपली ओपन कर लेता हूँ ब्लॉकचेन। तो आपको भी इस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करना होगा ब्लॉकचेन वॉलेट में। जैसे कि आप इस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन किए थे अपना ईमेल देके, पासवर्ड देके, तो इस वेबसाइट में भी आपको सेम इसी तरीके से अपने ईमेल देना होगा, पासवर्ड देना होगा और इस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो ईमेल एड्रेस है वहाँ पे इस वेबसाइट से एक मेल भेजा जाएगा, वहाँ पे जाके आपको एक्टिवेट कर देना होगा, ठीक है। ब्लॉकचेन का एक्टिवेट कर देना होगा अकाउंट। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा पहले से अकाउंट किया हुआ है, तो यहाँ पे जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रिएट योर वॉलेट में क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे मैं फिलहाल लॉग इन में क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने लॉग इन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप लॉग इन कर लेंगे यहाँ पे आपको हर वॉलेट का एड्रेस मिल जाएंगे, USD, डिजिटल, बिटकॉइन, ठीक है। इसके बाद देखिए एथर वॉलेट, ठीक है, हम लोगों को यही चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है रिक्वेस्ट ETH नाउ, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एथर वॉलेट का जो एड्रेस जैसे कि मैंने बताया था आपको इसे यहाँ पे कॉपी कर लेना होगा, ठीक है। ये मैंने मेरा कॉपी हो गया। उसके बाद हमें प्रीसर्च में आ जाना है, उसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे आपको पेस्ट कर देना होगा, उसके बाद इसे सबमिट कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी विड्रॉ नहीं करूँगा इसलिए मेरा सबमिट नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको भी सेम ऐसे करना होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरा समझ गए होंगे। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग वीडियो को दोबारा पहले से देख लीजिए। उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपने इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लोग समझ गए हैं तो शायद आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले कोई नए वीडियो में, आज के लिए इतनी, थैंक यू।